नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 1970 की। तारीख 1 जनवरी। 1 जनवरी 1970 को एक मशहूर फिल्म ट्रेड मैगजीन की कवर स्टोरी की हेडलाइन थी, ए सुपरस्टार इज बॉर्न, और इसे लिखने वाले थे फिल्म पत्रकार और पीआरओ शब्द कुमार। लेकिन इस शब्द सुपरस्टार को राजेश खन्ना के नाम से हमेशा के लिए जोड़ने का श्रेय जाता है फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल को। देवयानी फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल में काम करती थी और उनका लिखा कॉलम फ्रेंकली स्पीकिंग पाठकों के बीच बहुत मशहूर था। देवयानी चौबल पर किताब लिख रही फिल्म पत्रकार और लेखिका सुपर्णा शर्मा बताती हैं कि देवयानी फिल्म इंडस्ट्री में देवी के नाम से मशहूर थी। वो राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू की माँ की परिचित थीं और उन्हीं के द्वारा वो राजेश खन्ना के संपर्क में आईं। देवयानी ज़्यादातर चमकती हुई सफ़ेद साड़ी पहनती, बाल एक विशेष अंदाज में स्टाइल किए हुए नजर आती थीं। देवयानी की पहुँच फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों के अंदर तक थी और एटीट्यूड ऐसा जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री की मालिक हों। देवयानी ने अपना कॉलम 60 के दशक के अंत में लिखना शुरू किया था। ये लगभग वही समय है जब राजेश खन्ना के करियर की भी शुरुआत हुई। दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली। राजेश खन्ना के करिश्माई उदय के बाद तो देवयानी ने नियमित रूप से उन्हें अपने कॉलम का हिस्सा बना लिया। सुपर्णा शर्मा बताती हैं कि राजेश खन्ना देवयानी के लिए जैसे एक ऑब्सेशन बन गए थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही लिखती थीं, लेकिन वो जो भी लिखती उसे पढ़कर महसूस होता था कि वो राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जानती हैं। मराठी पत्रकार और एंकर सुधीर गाडगिल उस दौर के साप्ताहिक मराठी अखबार मनोहर में देवयानी के कॉलम का मराठी में अनुवाद करते थे। वो देवयानी के साथ अक्सर फिल्मों की शूटिंग कवर करने और फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू के लिए भी जाते थे। सुधीर बताते हैं कि राजेश खन्ना और देवयानी की शुरुआती मुलाकात जो राजेश खन्ना के ठाकुर द्वार वाले घर में हुई थी, ये आराधना के फौरन बाद की बात है। राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए थे। देवयानी उनसे ठाकुर द्वार में मिलने गई और वो बताते हैं कि मैं भी उनके साथ था। वो एक पुरानी बिल्डिंग का कोने वाला फ्लैट था। देवयानी ने उनका इंटरव्यू लिया। उनकी तस्वीर खींचने के लिए घर में कोई जगह नहीं दिख रही थी, तो हमने उन्हें उनके बिल्डिंग कंपाउंड की गैलरी में बुला लिया। तस्वीर में उन्होंने अपनी खास स्माइल दी और मैं देख रहा था कि देवयानी को उन्होंने पूरी तरह चार्म कर दिया था। हालांकि देवयानी अपनी चुभती हुई लेखनी के लिए पॉइजन पेन यानी कि जहरीली कलम के नाम से भी विख्यात थीं, मगर राजेश खन्ना के बारे में लिखते समय उनके शब्दों में अजीब तरह की नरमी आ जाती थी। शायद ये राजेश खन्ना के चार्म का असर था। राजेश खन्ना उन्हें इंडस्ट्री के अंदर की खबरें देते और वो अपनी खास इंग्लिश का तड़का लगाकर बड़े अंदाज से उन्हें अपने कॉलम में जगह देती। राजेश खन्ना के लगातार बढ़ते सुपरस्टारडम में लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना और पढ़ना चाहते थे। देवयानी का कॉलम उनकी इसी ज़रूरत को बखूबी पूरा करता रहा। राजेश खन्ना और देवयानी के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो दोनों की ज़रूरत और फ़ायदे का सौदा था। एक पिता, एक बच्चे या एक प्रेमी का रूप हो, राजेश खन्ना हर रूप में महिलाओं के लिए आनंद का प्रतीक थे। राजेश खन्ना के व्यक्तित्व को बयां करते हुए देवयानी ने एक बार अपने कॉलम में ये तमाम बातें लिखी। राजेश खन्ना उन दिनों वाकई जैसे एक होता है ना पारस, पारस मणि, पारस का पत्थर, वो बन चुके थे। हर निर्माता चाहता था कि उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना आ जाए तो उनकी फिल्म सोना हो जाए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की लहर चल रही थी और इसी लहर में उन्होंने एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में साइन कर लीं। 1969 का बंबई अलग अलग सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। मध्यम वर्ग में नई बीमारियों के नाम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तेजी से उभर रहे थे। राजनीति हो, खेल या सिनेमा, वहां के सबसे मशहूर चेहरे कई वर्षों से वही के वही थे। फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की तिकड़ी बरसों से इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, लेकिन माता पिता के फेवरेट रहे ये एक्टर उनके बच्चों के जवान होने तक भी वैसे ही रोल कर रहे थे।
उनका स्टार पावर भले ही बरकरार था लेकिन वो कुछ नया नहीं कर रहे थे। पारंपरिक किरदारों के खांचे में फिट होने वाले जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार हर फिल्म में खुद को एक तरीके से दोहरा रहे थे। युवाओं के मनपसंद विद्रोही छवि वाले रेबेल शमी कपूर वजन बढ़ जाने की वजह से हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए जंच नहीं रहे थे। और इन सबकी फिल्में चल तो रही थी लेकिन एक बात तो साफ थी कि नई युवा पीढ़ी उस दौर में इन स्टार्स को अब पिछली पीढ़ी के हीरो के रूप में देखने लगी थी, यानी कि ऐसे हीरो जो उन्हें एक तरह से विरासत में दिए गए थे और दिल ही दिल में किसी नए हीरो की अनकही चाहत पनप रही थी। ऐसा हीरो जो नए जमाने की बात करे, नई पीढ़ी के जज्बात को जुबान दे, जो परंपरा भी निभाए और उनकी तरह रिबेल भी हो, जो प्यार के इकरार और इजहार करने के नए अंदाज बताए, फैशन के नाम पर कुछ ऐसा कर दे जो उन्होंने देखा ना हो। नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखने वाले देश और समाज में ऐसी फैंटेसीज हर दौर में रही है, उस दौर में भी थी, इस दौर में भी है। 1969 के अंत में कम से कम हिंदी सिनेमा में ऐसी ही एक फैंटेसी के हकीकत बनने का वक्त आ चुका था। लेखक अभिजीत घोष ने एक बार लिखा, कोई ठीक से नहीं जानता कि कैसे औसत कदकाठी और मुहासों से भरा चेहरा लिए एक एक्टर पूरे हिंदुस्तान को सम्मोहित कर गया। शायद वो देश में पांव पसार रही बेरोजगारी और महंगाई के गुस्से से पहले मासूमियत का आखिरी झोंका था। बीते हुए दौर की सादगी और आने वाले भविष्य की अनिश्चितता के बीच की कड़ी था, या शायद ये सब कुछ पहले से लिखा था। 1970 की शुरुआत में राजेश खन्ना की फिल्में डोली और बंधन रिलीज हुई। निर्देशक ए सुब्बा राव की फिल्म डोली एक सोशल ड्रामा था जिसमें राजेश खन्ना की हीरोइन बबीता शिवदासानी थी, जो बाद में बबीता कपूर बनी रणधीर कपूर से शादी के बाद, करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां, जो उनके साथ पहले राज फिल्म में काम कर चुकी थी। डोली एक बेहद औसत दर्जे की फिल्म थी लेकिन राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम की आंधी में इस फिल्म ने भी अच्छी खासी कमाई कर ली। बंधन का निर्माण जीपी सिप्पी ने किया था और जीपी सिप्पी ने इसका निर्देशन राजेश खन्ना के करीबी दोस्त नरेंद्र बेदी से करवाया। इस फिल्म में राजेश खन्ना अपनी मॉडर्न शहरी इमेज से अलग गांव के सीधे साधे किसान धर्मा की भूमिका में नजर आए। सलीम जावेद की लिखी इस फिल्म में उनकी हीरोइन फिर से मुमताज थीं, लेकिन दिलचस्प ये था कि उनकी असली जिंदगी की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू का भी फिल्म बंधन में खास रोल था। इससे पहले दोनों ने सिर्फ थिएटर के दिनों में ही एक साथ काम किया था। फिल्म की पब्लिसिटी में इस बात को खूब भुनाया गया। दर्शक भी पहली बार पर्दे पर राजेश खन्ना और अंजू की केमिस्ट्री देखना चाहते थे। कई निर्माताओं का मानना था कि अगर उनकी जोड़ी को दर्शक पसंद कर लेंगे तो उनकी रियल लाइफ और की जो जोड़ी है वो रियल लाइफ में भी हिट हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। जब बंधन रिलीज हुई तो उम्मीदों को झटका लग गया। दर्शकों की तालियां राजेश और अंजू के सीन्स पर नहीं बल्कि राजेश खन्ना और मुमताज के सीन्स पर बजी। फिल्म हिट रही लेकिन राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू एक कामयाब फिल्मी जोड़ी नहीं बना सके। सालों बाद राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बंधन के बारे में बात करते हुए कहा कि उस फिल्म में मेरी पहली हीरोइन अंजू महेंद्रू भी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से पूरी शूटिंग के दौरान एक दूसरे के प्रति हमारा जो बर्ताव था वो बेहद खराब था। जब भी मैं अपनी लाइनें बोलता था तो वो दूसरी तरफ देखने लगती थी और जब वो डायलॉग बोलती थी तो मैं अपना मुंह फेर लेता था, पर ऐसा पूरे शेड्यूल के दौरान चलता रहा। बेचारा प्रोड्यूसर कंफ्यूज था कि ये क्या और क्यों हो रहा है। इसका जवाब हम दोनों के पास भी नहीं था। अगर होता तो हम इतना बचकाना बर्ताव नहीं करते। मैं जानता हूं ये सब बेवकूफाना लगता है लेकिन हम किसी वाक्य को अपनी जिंदगी से सिर्फ इसलिए झुठला नहीं सकते क्योंकि वो बेवकूफाना या बचकाना था। उस दौर में अंजू और राजेश खन्ना के करीबी रहे लोग बताते हैं कि दोनों के बीच तकरार के ऐसे वाक्य अक्सर होने लगे थे। राजेश खन्ना और अंजू का रिश्ता करीब 5 साल पुराना हो चुका था लेकिन राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के बाद उनके आसपास का माहौल अब बदलने लगा था। अचानक राजेश खन्ना का ज्यादातर वक्त अपने काम में बीतने लगा था। जो वक्त और तवज्जो पहले अंजू के नाम थी उस पर अब
हक जमाने के लिए, हक जमाने के लिए जमाने के बहुत से लोग आ गए थे। उस दौर में अंजू महेंद्रू की पड़ोसी रहीं फिल्म पत्रकार मीना अय्यर बताती हैं कि उन्होंने 60 के दशक के आखिर के दिनों में राजेश खन्ना को पहली बार अंजू महेंद्रू के घर पर देखा। अंजू लक्ष्मी निवास की पहली मंजिल पर रहती थी जो मीना अय्यर के घर के बहुत करीब थी। राजेश खन्ना की कार रात भर अंजू के घर के बाहर खड़ी रहती। मीना बताती हैं कि कभी कभी सुबह मेरी मुलाकात अंजू के घर में काम करने वाली नौकरानी से हो जाती थी। उसने मुझे एक बार बताया कि अंजू की माँ शांति महेंद्रू ने उसे अंडे लेने भेजा क्योंकि काका जी को नाश्ते में अंडे बेहद पसंद हैं। सुपरस्टार बनने के बाद भी राजेश खन्ना अंजू के घर उसी तरह आते जाते थे, लेकिन आराधना के बाद जैसे सब कुछ बदल गया था। मैं उस वक्त सीनियर स्कूल में थी और मेरे स्कूल की सभी लड़कियों को अंजू महेंद्रू से बेहद जलन होती थी क्योंकि राजेश खन्ना उनके बॉयफ्रेंड थे। स्कूल के बाद लड़कियां राजेश खन्ना की एक झलक देखने के लिए अंजू के घर के बाहर भीड़ लगाए खड़ी रहती थीं। आप सबने ये बातें पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लड़कियां अंजू के घर के बाहर खड़ी राजेश खन्ना की सफ़ेद गाड़ी को किस करती थीं और उनकी गाड़ी से उड़ती धूल से अपनी मांग भरती थीं। मैंने वो मंज़र अपनी आंखों से देखा है। ये बातें मीना अय्यर ने सालों बाद एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। नए आए सुपरस्टार राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की निजी जिंदगी पर लगातार सबकी नजरें टिकी रहती थीं। उनके रिश्ते को जैसे हर रोज मीडिया की जांच से होकर गुजरना पड़ रहा था। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड के बारे में लोग हर बात जानना चाहते थे, मगर अचानक आए इस मीडिया अटेंशन के लिए अंजू शायद पूरी तरह से तैयार नहीं थी। राजेश खन्ना और अंजू से जुड़ी खबरें और तस्वीरें उस दौर की मशहूर मैगजीन स्टारडस्ट, स्टार एंड स्टाइल और फिल्म फेयर में छपती रहती। उनके लव लाइफ के बारे में गॉसिप कॉलम्स में चटखारेदार बातें लिखी जाती। अंजू राजेश के साथ किस पार्टी में गईं, किस इवेंट में उन्होंने क्या ड्रेस पहनी, वो राजेश खन्ना के साथ कैसी दिख रही थीं, हर बात। सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड, मीडिया ने अंजू महेंद्रू के नाम से एक ये नई पहचान जोड़ दी। ये वो पहचान थी जिसे पाने के लिए शायद उस दौर में देश की हर लड़की कुछ भी कर सकती थी। मगर क्या अंजू खुद इस पहचान से खुश थीं? कई खबरों में अंजू को डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड तक लिखा जाता। खुद हर रोज उनका सामना अपने प्रेमी का ध्यान अपनी तरफ खींचती लड़कियों से होता। अपने घर के सामने वो राजेश खन्ना की दीवानी फैंस को उनकी एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते देखती। ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं उनके रिश्ते पर दबाव डालने लगी थी। कुछ बदल रहा था। वो चाहता था कि मैं हर वक्त उसके पैरों पर गिरी रहूं जैसे उसके चमचे गिरे रहते हैं। मैं उससे प्यार करती थी, उसकी चापलूसी नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ जतिन या जस्टिन था, वो शख्स जिससे मैंने प्यार किया था, न कि सुपरस्टार राजेश खन्ना। सालों बाद अंजू ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उस गुस्से का इजहार किया। खुद अंजू को अब तक फिल्मों में कोई खास मुकाम नहीं मिल पाया था। हीरोइन के रूप में उन्हें साइन करने के लिए निर्माता अभी भी आगे नहीं आ रहे थे। वहीं राजेश खन्ना के लगातार बढ़ते काम की वजह से शायद दोनों के पास साथ बिताने के लिए अब वक्त भी कम होने लगा था। ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते से दोनों को जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अंजू इस इंटरव्यू में आगे कहती हैं कि जितना मैं कर सकती थी मैंने अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की उसे खुश करने के लिए। वो चाहता था कि मैं मॉडलिंग छोड़ दूं, वो भी उस वक्त जब मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन मैंने मॉडलिंग छोड़ दी। लेकिन राजेश खन्ना को कुछ और ही चाहिए था। एकदम से आई बेमिसाल कामयाबी को परिपक्वता से संभालना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता, और राजेश खन्ना की उम्र उस समय महज 28 साल थी। किसी भी रिश्ते को ऐसे बदलाव का सामना करने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। लेकिन आलम यह था कि अगले 2 साल तक राजेश खन्ना का लगभग हर दिन किसी न किसी फिल्म निर्माता के नाम हो चुका था। उनकी डायरी में अब न तो उनके करीबी दोस्तों के लिए वक्त बचा था, ना अंजू महेंद्रू के लिए और ना ही खुद के लिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।